Hey, what's up guys, you are watching RC17 vlog. So last vlog में आपने देखा कि किस तरह हमने अपनी secondary bike को ready किया and उसमें काफ़ी सारी modifications करने वाली थी, कुछ accessories उसमें लगाने वाली थी, तो वो चीज़ें आज हम करने जा रहे हैं because last video काफ़ी लंबा हो गया था एंड उस दिन वैसे भी अंधेरा हो गया था. तो सो जो बचा हुआ काम है बाइक के अंदर होने वाला है वो हम आज करेंगे और आज जो मॉडिफिकेशन होगा वो सारा मैं खुद अपने हाथों से करूँगा बिकॉज जितनी भी एसेसरी है वो ऑलरेडी मैंने ला रखी है घर पे एंड कुछ थोड़े बहुत सामान है उनकी फिटिंग्स वगैरह है वो लेने जा रहे हैं हम मार्केट, वो लेके आते हैं फिर फिट करते हैं बाइक में. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं डायरेक्ट मार्केट. कौन सी कंपनी का है? सर बढ़िया है. रूट्स का भी आता ना है? रूट्स का? रूट्स का नहीं आता जी. नहीं है? ये चलने में कैसा है? बढ़िया है जी. और कनेक्टर दे दो. क्या कनेक्टर? इसके लुगा है? वो लगते हैं ना. कितने लगेंगे? दो हॉर्न है. छः लगेंगे. आठ ही दे दो, कम ना होते. कहाँ लगाना है? बाइक पे लगाने. गांव में? हाँ बस यही लगते हैं ना. तार तो पड़ी है. तार पड़ी है. और कितना अमाउंट हुआ इनका? इसका अमाउंट 80 रुपये हुआ. चलने में तो अच्छा है ना ये? हाँ जी बड़ी. सो गाइज फाइनली पहुंच गए हैं घर पे. जैसे ही मैंने वहाँ से सामान लिया शॉप से उसके बाद डायरेक्टली मैं जिम लगाने चला गया एंड जिम से डायरेक्ट अभी मैं घर आ रहा हूँ. तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:45, काफ़ी रात हो गई है. जो सामान मैं लेके आया था वो सारा इस बैग में है. अभी आपको दिखाऊंगा क्या कुछ लेके आया हूँ और क्या कुछ मेरे पास पड़ा है. तो इंस्टॉलेशन का काम है जो यार वो सुबह ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा. गाइज आज अपने लगा गए हैं शोल्डर की एक्सरसाइज और शोल्डर ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सभी एक्सरसाइज के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगती है. बाकी लेग्स वगैरह तो कुछ नहीं है उसमें, तो इजीली मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, बट शोल्डर में ना पूछो ही मत, बिल्कुल बस हो जाती है यार. एंड अब सामान तो ले आया हूँ बट मुझे लगता नहीं है कि अभी उसे इंस्टॉल कर पाऊँगा. वैसे भी अंधेरा काफ़ी हो चुका है बाहर, तो बाहर वीडियो शूट अच्छे से नहीं होगा. साथ में मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जिम से आते ही मैं सारा कुछ कर लूँ, तो मुझे लगता है सुबह ही करना पड़ेगा सब. तो अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं जल्दी और सुबह करेंगे सारा कुछ जितना भी उसमें सिस्टम लगाना है. एंड जो सामान मैं लेके आया हूँ वो मैं आपको अभी जल्दी से दिखा देता हूँ कि मार्केट से मैं क्या कुछ लेके आया हूँ. सो चलिए डायरेक्टली आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या कुछ लेके आया हूँ. सो अपना जुगाड़मेंट है जो सारा वो इसी के अंदर है. कहाँ गया ये रहा? ये है हॉर्न रिले, दिखा देता हूँ मैं आपको खोल के. निकल जा बे. कुछ इस तरह का होता है ये, जब अपने बाइक में दो हॉर्न एक साथ लगाते हैं तो उसके अंदर इसे यूज़ करते हैं. बैटरी के ऊपर भी काफ़ी कम इफेक्ट आता है और साथ ही साथ हॉर्न की जो साउंड है वो भी दोनों की इक्वल इक्वल आती है, कम ज़्यादा नहीं होती है. एंड ये कुछ कनेक्टर्स हैं वायर को कनेक्ट करने के लिए इनके साथ. और इसके साथ जो सामान पड़ा था घर पर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ.
ये वाली फॉग लाइट्स भी उसके अंदर फिट करेंगे अपने सुबह। ये पहले मैंने परचेज़ की थी, थोड़ा टाइम यूज़ की थी, मैं लद्दाख राइड के ऊपर जा रहा था बट वो कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मैंने इन्हें उतार के रख दिया। अब दोबारा सोच रहा हूँ कि इन्हें लगाता हूँ बाइक पे, अच्छा लगता है। और साथ में ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो नाइट के अंदर रोशनी भी काफ़ी करती है। ये मेरे पास दो का पेयर है, कंप्लीट पड़ा है, और इसके अलावा 3 हॉर्न पड़े हैं। उनमें से देखेंगे कौन से लगाएं कौन सा ना लगाएं। पर ये है इसका ऑन ऑफ का स्विच, लाइट्स का काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का स्विच है। जैसे कि बाइक में किल स्विच दिया होता है उसी तरह बिल्कुल ये काम करता है, तो इसे भी लगाएंगे। एंड सबसे मेन थिंग जो इंसर्ट करेंगे वो है ये है एक USB चार्जर। ये काफ़ी ज़रूरी एक्सेसरी है बाइक के ऊपर, क्योंकि रास्ते के अंदर अगर हम जा रहे हैं कोई भी हमारा इक्विपमेंट अगर डिस्चार्ज होता है उसे चार्ज कर सकते हैं, एंड ऑन द गो अपने अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज लगा पाएंगे इजीली इसके अंदर। सो इसको भी हम उसके अंदर फिट करेंगे। तो इतनी सारी एक्सेसरीज हैं, इन्हें सबको फिट करने में लगभग काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा सुबह। तो मैं सोच रहा हूँ सुबह ही करते हैं, तो डायरेक्टली मिलेंगे आपको सुबह। सो अभी के लिए फ्रेंड्स गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो कल जो अपने सामान लेके आए थे मार्केट से एंड कुछ जो अपने पास पड़ा था वो सब हम फिट करेंगे अब बाइक में। जो बैकग्राउंड है उसे माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये जितनी भी प्रोसेस है वो मैं गैराज में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारा जो ख़राब सामान है यानी जो एक्स्ट्रा सामान है घर का वो पड़ा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं काम को शुरू। सो फाइनली गाइज, पूरे दिन भर की मेहनत के बाद फिटिंग का काम सारा कंप्लीट हो चुका है, और अब फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं आपको दिखाऊं कि बाइक पहले किस तरह से थी, 2-3 दिन पहले इसकी कंडीशन, और अब इसकी कंडीशन किस टाइप है। एंड साथ ही साथ जो इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है लाइटिंग्स वगैरह का, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं, तो वो अभी देखेंगे हम, अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं रोड साइड पर। जी तो कैसा लगा फिर आपको मॉडिफिकेशन? और लाइटिंग्स तो लाजवाब दिख रही थी, अंधेरे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सड़क पे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ऑफ रोडिंग भी करके देखा मैंने, कच्चे रास्ते में चला के देखा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो रहा है पूरा रास्ता। पहले जो लाइट थी उससे 85% तक लाइट अब इंक्रीज़ हो चुकी है। बाकी इन फ्यूचर हम इनका अच्छे से टेस्ट करेंगे ऑफ रोडिंग के अंदर, रोड के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर,
अच्छे से इसका टेस्टिंग करेंगे एंड इन फ्यूचर भी इस बाइक पे हम काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सो इसी तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेशन में मुझे बता दीजिए ताकि मैं इन फ्यूचर और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। सो आज का हमारा साथ यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे बिल्कुल ज़बरदस्त बर्निंग कंटेंट के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।